नमस्कार मित्रों, फार्माकोलॉजी का एक मूल मंत्र है, नो ड्रग इज फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट। हर जो ड्रग है, जिसको भी किसी भी केमिकल कंपाउंड को हम अगर ड्रग के रूप में प्रयोग में ला रहे हैं, तो वह ड्रग होते हुए हर केमिकल एक पॉइजन है। तो हर ड्रग एक पॉइजन है, और वही पॉइजन अगर कोई भी केमिकल जो एक पॉइजन के रूप में यूज होता है, उसको हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक ड्रग की तरह यूज कर सकते हैं। तो फिर दूसरा जो स्टेटमेंट दिया गया वो क्या है, एवरी ड्रग इज ए पॉइजन एंड एवरी पॉइजन कुड बी ए ड्रग। तो यही जो मूल अंतर है एक ड्रग और पॉइजन में, वह किससे होता है, उसके प्रयोग से, उसको हम किस प्रकार से प्रयोग में ला रहे हैं। मेटफॉर्मिन हम जानते हैं कि हमारी एक फंडामेंटल, एक बेसिक, एक सबसे महत्वपूर्ण एंटी डायबिटिक एजेंट है, और यह हमें अपने हर टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट में यथासंभव इसको प्रयोग में लाना चाहिए। लेकिन यह ड्रग भी साइड इफेक्ट से परे तो नहीं है, इसके भी अपने कुछ साइड इफेक्ट्स, या जिसके लिए हम बेहतर एक टर्म एडवर्स ड्रग रिएक्शन प्रयोग में लाते हैं, इसके भी अपने कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं। आइए समझते हैं कि यह क्या हो सकते हैं। एक केस को लेते हैं, 63-year-old फीमेल जिनको 8 वर्षों से डायबिटीज है और अनकंट्रोल्ड है ये ग्लिबेनक्लामाइड मोनोथेरेपी लेते हुए। अब देखिए, ये हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है कि हमें हर पेशेंट में एक इफेक्टिव एंटी डायबिटिक एजेंट्स को एक प्रॉपर रेजिम के साथ में प्रयोग में लाना सीखना है। यह भी देखिए, मोनोथेरेपी पे 8 सालों से चल रही है, ओबीज है, सेंट्रल ओबेसिटी है, बी वेस्ट ज्यादा है वो बता रही है, वेस्ट हिप रेशियो ज्यादा है, सेंट्रल ओबेसिटी है, केंथोसिस निग्रिकेंस है, उसके बावजूद इनको मोनोथेरेपी पे ट्रीट किया जा रहा था, अनकंट्रोल्ड स्टेट में आई ही। और अब हम इसको अगर एनालाइज करें, इनके सारे फैक्टर्स, एल्डरली फीमेल 8 सालों से, लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरग्लाइसीमिया है, सिग्निफिकेंट हाइपरग्लाइसीमिया है, तो यह एक रिवीजन चाहता है। मोनोथेरेपी पे है और फुल डोजेस में ग्लिबेनक्लामाइड यूज करने के बाद भी अनकंट्रोल्ड है, इसका मतलब ये एक सेकेंडरी सल्फोनिल्यूरिया फेल्योर वाली स्टेज है, जब सल्फोनिल्यूरिया अकेले अपने आप में काम नहीं कर रही, और शायद अब इतनी लंबी डायबिटीज के साथ पेंक्रियाटिक बीटा सेल रिजर्व भी बहुत अच्छा ना बचा हो। बीएमआई ज्यादा होने मतलब ओबेसिटी, और वेस्ट वेस्ट हिप रेशियो ज्यादा होने का मतलब सेंट्रल ओबेसिटी, एकेंथोसिस का मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो यह तीनों चीजें बताती हैं कि हमें वेट लॉस पर बहुत ध्यान देना है, और ऐसे सभी एजेंट्स में फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस ही मेटफॉर्मिन बनती है। पता नहीं क्यों इनको अभी तक वो यूज नहीं की गई। तो यह जानते हुए कि हमको ग्लिबेनक्लामाइड यूज करने से पहले ही मेटफॉर्मिन देनी चाहिए थी, अब इस लेडी में हमने मेटफॉर्मिन के साथ साथ 500 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन, सॉरी ग्लिबेनक्लामाइड के साथ साथ मेटफॉर्मिन ऐड की। अनकंट्रोल्ड स्टेटस था, मेटफॉर्मिन जैसे हमने 500 मिलीग्राम ट्वाइस डे दी, तो हमने देखा एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हमें 10 दिनों में ही मिला, 40 लगभग फास्टिंग और 80 लगभग पोस्ट प्रांडियल, यह हमारी 60 पोस्ट प्रांडियल यह कम हुई। उम्मीद की किरण जगी, मेटफॉर्मिन हमने बढ़ा दिया 1000 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे, और 10 दिनों बाद पेशेंट काफी बेहतर स्थिति में आई, लेकिन वो कंप्लेन करती हुई आई कि भूख बिल्कुल खत्म हो गई, पेट बहुत भरा भरा फूला फूला लगता है, खट्टी डकारें सी लगती हैं, लगता है उल्टी मितली सी आएगी। अब यही परेशानियां हैं। जब भी हम डायबिटीज को, किसी भी डायबिटीज को ट्रीट किया जा सकता है, और बिल्कुल अप्रोप्रिएट परफेक्ट मैनेजमेंट, उसका परफेक्ट कंट्रोल लाया जा सकता है, केवल डिटरेंट क्या है, एक हाइपोग्लाइसीमिया कि हमने ज्यादा स्ट्रॉन्ग दवा यूज की और शुगर ग्लूकोज लेवल कम हो गया, और दूसरा जो एजेंट यूज किया उसके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। यहाँ पे देखिए, ग्लाइसिमिक कंट्रोल तो हमको अच्छा मिल गया, लेकिन उस ड्रग के जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन के रूप में चीजें सामने आ रही हैं, इनको हमें समझना है। वास्तव में मेटफॉर्मिन लेते समय यही कुछ प्रमुख जो हमारे लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, जो हमारे ट्रीटमेंट के अप टाइट्रेशन मतलब डोज को बढ़ाने से रोकते हैं, या किसी ड्रग को देने तक से कई बार रोकते हैं। मेटफॉर्मिन किसी भी प्रकार का बॉवेल अपसेट उत्पन्न कर सकती है, अपर एब्डोमेन में एसिडिटी, गैस, खटी खटी डकारें, उल्टी मितली लगना, एनोरेक्सिया, भूख कम हो जाना,
स्वाद खराब कर देती है, डिसटेस्ट, थोड़ा मेटालिक टेस्ट सा लगने लग जाता है कई बार। तो ये पेट से संबंधित परेशानियां, खाना खाया और पेट फूलने लग गया, गैस बनने लगी, डकारें आने लगी, या लोअर एब्डोमिनल सिम्टम्स, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, थोड़ा क्रैम्प्स लग रहा है, ऐंठन मरोड़ जैसी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, लूज मोशन भी हो सकते हैं। कई पेशेंट्स हैं वो कहते हैं मेटफॉर्मिन शुरू करने के बाद से दो दो दिन स्टूल पास नहीं होते, और कई कहते हैं कि हर खाने के बाद मेटफॉर्मिन ली, और मेटफॉर्मिन के बाद या जैसे ही हम खाना खाते हैं वैसे ही हमें मोशन के लिए जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार का बॉवेल अपसेट वह मेटफॉर्मिन से उत्पन्न हो सकता सॉरी। तो अब प्रश्न ये आता है कि यदि मेटफॉर्मिन लेता हुआ व्यक्ति यह जीआई साइड इफेक्ट्स के साथ आ रहा है तो हमें क्या करना है? ऑप्शंस हमारे पास क्या है? अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, हमने एंटासिड जोड़ी या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जोड़ा, हमने मेटफॉर्मिन की डोज कम की, अच्छा मेटफॉर्मिन की डोज कम करो तो फिर दिक्कत, वो अनकंट्रोल हो जाएगा। मेटफॉर्मिन को आफ्टर मील्स हम देना शुरू करें, ग्लिबेनक्लामाइड को, सल्फोनिउरियास को हम बिफोर मील देते हैं, उसके साथ ही हमने मेटफॉर्मिन शुरू कर दी थी उसको हम आफ्टर मील कर दें, मेटफॉर्मिन को हम सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन में दें। तो इन चारों ऑप्शंस में हमको मेटफॉर्मिन से अगर ये बॉवेल अपसेट हो रहे हैं तो क्या करना चाहिए? वास्तव में एंटासिड पीपीआई जोड़ना तो एक रेमेडी हो सकती है कि उसको जो साइड इफेक्ट्स उसको काउंटर कर दिया, लेकिन एक बेहतर स्ट्रेटजी है कि मेटफॉर्मिन को हम आफ्टर मील यूज करें जिससे कि उसके जो गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट्स हैं वो कम हो, और उसको सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन में दें जिससे मेटफॉर्मिन पेट में गई, स्टमक में गई और एकदम से वो रिलीज हो गई, तो जो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ मेटफॉर्मिन है एक साथ वो गैस्ट्राइटिस ना करे। तो गैस्ट्राइटिस की सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन बनाई गई जिससे कि साइड इफेक्ट्स कम हुए, लेकिन दिखा कि इफेक्ट्स भी बहुत कम हो गए। अब क्या करें? वास्तव में हमें फार्मेकोकाइनेटिक्स किसी भी ड्रग की समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटफॉर्मिन का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ड्यूडिनम से और प्रॉक्सिमल जेडिनम से होता है, और हमने सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन दी जो जो इंटेस्टिन में जाके ड्रग लिबरेट करे, तो अगर वो डिस्टल जेजुनम में या आइलियम में लिबरेट करे तो एब्जॉर्ब कैसे होगी? इसलिए मेटफॉर्मिन की सस्टेन रिलीज एक अलग प्रकार से बनाई जाती है जिसको कहते हैं गैस्ट्रो रिटेंटिव ट्रैपलेट। गैस्ट्रो मतलब स्टमक में रिटेंशन, उसमें वहीं पे रुकी रहे, यहाँ पे रुकी रहे। इसके साथ कई प्रक्रियाएं हैं, एक है जिसमें मेटफॉर्मिन की ये एक जेल बना लेती है, एक जेल बना के और स्टमक में गैस्ट्रिक कंटेंट के ऊपर फ्लोट करती रहती है, और उस जेल के कारण से वहीं रुकी रहती है, आगे एक्सक्रीट आउट नहीं, आगे डिस्टल इंटेस्टाइन में नहीं पहुंचती। तो अब जब गैस्ट्रो रिटेंटिव टैबलेट है ये यहाँ से मेडिसिन रिलीज करती रहेगी, अगर इमीडिएट रिलीज वाली होती तो वो पूरी पूरी ड्रग यहीं रिलीज हो जाती, एब्जॉर्ब तो बहुत अच्छी होती लेकिन गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस करती। सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन अगर हम देते हैं जो आगे जाके ड्रग रिलीज करती तो भी हमारे लिए बहुत अच्छा एडवांटेज नहीं हो पाता। गैस्ट्रो रिटेंटिव फॉर्म है वो यहाँ रुकी हुई है, ग्रेजुअली ड्रग को रिलीज कर रही है और वो ड्रग मैक्सिमम यहाँ से एब्जॉर्ब होती जाएगी, तो उसकी एफिकेसी भी बढ़ गई क्योंकि जो बायोअवेलेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो गई, और एक साथ ज़्यादा ड्रग स्टमक में रिलीज नहीं हुई इसलिए गैस्ट्रिक टॉलरेंस वो बेटर हो गई। तो इस प्रकार से मेटफॉर्मिन को जब हम आफ्टर मील यूज करें, जब हम उसकी सस्टेन रिलीज गैस्ट्रो रिटेंटिव टेक्नोलॉजी की सस्टेन रिलीज टैबलेट यूज करें तब उसके प्रॉब्लम्स कम होते हैं। इन्हीं गैस्ट्रिक या बॉवेल डिसऑर्डर्स को बचाने के लिए मेटफॉर्मिन देने का एक जो प्रिंसिपल है, स्टार्ट लो एंड गो स्लो। एकदम से मेटफॉर्मिन की फुल डोज स्टार्ट ना करें, स्मॉलर डोज से स्टार्ट करें और धीरे धीरे क्रमशः उसकी डोजेस को बढ़ाएं जिससे कि एफिकेसी, उसकी टॉलरेबिलिटी बढ़ जाए। हम जानते हैं कि मेटफॉर्मिन मुख्यतः हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट को कम करके जो हाइपरग्लाइसीमिया घटाती है, जो लिवर में जो ग्लूकोज बन रहा है एंडोजेनस ग्लूकोज उसका निकलना रोके, और ये प्रक्रिया सबसे ज्यादा होती है नाइट टाइम में, नॉक्टर्नल हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट या अर्ली मॉर्निंग में। तो इस प्रकार से अगर इवनिंग डोज हम मेटफॉर्मिन की दे तब उसकी एफिकेसी बढ़ सकती है। अब मेटफॉर्मिन हमने कहा कि जो
गैस्ट्रो रिटेंटिव सस्टेंड रिलीज टेक्नोलॉजी है वह उसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ा देती है। तो नॉर्मली मेटफॉर्मिन जो 850 मिलीग्राम थ्राइस ए डे मतलब 2550 मिलीग्राम इसकी मैक्सिमम डोज थी, वो जब हम सस्टेंड रिलीज टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो 2000 में ही वह इफेक्ट आ जाता है। तो जब हम सस्टेंड रिलीज फॉर्मुलेशन यूज करते हैं तो उसको हमें 2.5 ग्राम्स नहीं, उसको 2 ग्राम्स पर डे से ज्यादा की डोज में यूज नहीं करना है। इस तथ्य को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो मेटफॉर्मिन देते समय मित्रों हमें उसकी डोज को क्रमशः बढ़ाना चाहिए जिससे पेशेंट उसको सरलता से टॉलरेट कर सके। उसकी सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन यूज करनी चाहिए जिससे गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट्स कम हो। उसको आफ्टर मील यूज करना चाहिए। और इस प्रकार से मेटफॉर्मिन जिसका मुख्य साइड इफेक्ट बाउल डिसऑर्डर है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, डिस्टेंशन, एनोरेक्सिया, डिस्टेस्ट, वह सब साइड इफेक्ट्स आफ्टर मील और सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन को देने से काफी कम हो सकते हैं। इस प्रकार से इस्तेमाल करके मेटफॉर्मिन के साइड इफेक्ट्स को हम घटा सकते हैं और उसके इफेक्ट्स को हम भली भांति किसी पेशेंट में प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।